दिल्ली में 12 मई को लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में जो प्रिपरेशन है वो लगातार चल रही है। अभी हालांकि उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, गठबंधन की राजनीति भी चल रही है, लेकिन आम वोटर्स इस सबसे इत्तेफाक रखता है या नहीं रखता है, क्या सोचता है आम वोटर्स, खासकर किन्नर समाज के लोग क्या सोचते हैं, यही बात करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली के नवीन शाहदरा इलाके में। कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी नज़र में जो इस बार वोट आप करेंगे लोकसभा के चुनाव में, किन बातों का ध्यान रखेंगे और किसको वोट करेंगे? हम मोदी जी को वोट करेंगे, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी हर काम से बिल्कुल अच्छे तरीके से हर काम निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मोदी जी बहुत ही अच्छे। हम चाहते हैं नेक्स्ट टाइम भी मोदी जी आने चाहिए, और हमारे तो बस बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, उनका खूब कारोबार चले, ईश्वर उन कमाई में खूब बरकत दे। जिससे आपने मोदी सरकार की तारीफ की, वजह क्या है, क्या आप लोगों की वो इनकम में इससे फ़र्क पड़ा या आपका जो रहन सहन है वो सुधरा? नहीं, इनकम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनकम तो वैसे की वैसे ही है हमारी। हमारे जज्बान को थोड़ी प्रॉब्लम हुई शुरू शुरू में, अब तो कोई परेशानी नहीं है। अब तो कोई कहता नहीं मोदी जी ने ये नोटबंदी करा, ख़राब करा, सब कहते हैं अब तो सब कुछ ठीक है, अच्छे से है। तो हमारा ही मानना ये है कि सब अच्छे से ही है अब। जैसे आपने कहा कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, तो जब फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर मोदी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ खास वजह होगी आपके दिमाग में कि भाई मोदी जी की इंटरनेशनल पॉलिसी सही है या कुछ और आपके दिमाग? जैसे कि हमारे देश के वीर जवान अभी शहीद हुए थे, मोदी जी ने उनके लिए एकदम से वो उठाया और उनको पर हमला करा, सब कुछ करा, मोदी जी ने बदला लिया हमारे देश के सैनिकों के लिए। आप क्या सोचती हैं, आपका क्या कहना है कि जो आपके दिमाग में इस बार वोट किसको करेंगी, किन मुद्दों पर करेंगी, क्या आपको लगता है आपके इलाके का विकास हुआ इस बार? मैं चांदनी बोल रही हूँ, हमारे देश में मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ हर साल मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बहुत अच्छे काम करें मोदी जी ने, और मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, मोदी जी का बहुत अच्छा अच्छा कार्य करा उन्होंने हमारे देश में, और हर साल मोदी जी ही आने चाहिए हमारे। आप ये बताइए, आपकी चांदनी जी कोई इनकम में आपकी जो आय में फ़र्क पड़ा, या ऐसा हुआ कि क्योंकि आप लोगों का जो सामना पड़ता है पुलिस से बहुत पड़ता है सामना, आप लोगों के अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा हो गया तो पुलिस की, आप क्या कुछ फ़र्क पड़ा मोदी जी के आने से, क्या पुलिस ठीक हुई, आपकी प्रति बर्ताव ठीक हुआ, आपकी जो इनकम थी वो बढ़ी, कुछ ऐसा हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ पहले की तरीके से है, कोई इनकम बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई दिल्ली पुलिस से कोई हमारी कोई शिकायत वगैरह है। बाकी हम, मैं तो ये कहूँगी, प्रभु से प्रार्थना करूँगी मोदी जी ही आने चाहिए हमारे देश के अंदर। आप बताइए आपका क्या मानना है, आप बैठिए, आप बैठिए, क्या मानना है कि इस बार किन आधार पर आप वोट करोगे और एजेंडा क्या होगा वोट करने का, क्या विकास होगा या एक जो धुन चली आ रही है कि हमें उसी को वोट करना है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हम किन्नर हैं बेशक, मैं मोनिका हूँ, मोनिका किन्नर हूँ मैं, हम लोग भी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, न्यूज़ वगैरह में जैसे हम देखते हैं तो उसके अनुमान के अनुरूप जैसे लोग, मतलब हमारी जनता जिस चीज़ से खुश है हम भी उनके साथ हैं, क्योंकि हम भी जनता में ही रहते हैं। और रही मोदी जी की बात, काफ़ी उन्होंने सुधार किया है देश में, ये तो किसी से बात छुपी नहीं है, काफ़ी लोगों को, औरतों को उन्होंने सहूलियत दी है, और बाकी इन बातों को साइड में रखते हुए जो देश में हमारे पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए हैं उनके लिए मोदी जी ने जो इतना बड़ा एक्शन उठाया है उस एक्शन से मैं बहुत खुश हूँ, और उसके बस एक एजेंडे की तरफ से मैं उनको वोट देना चाहूँगी बस। आपका कहना है कि जो लोकल इश्यूज हैं, चाहे आपकी इनकम बढ़े ना बढ़े या, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक उन्होंने ऐसा देश के लिए काम किया वो इम्पोर्टेंट, वो देश के लिए जो किया वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश में हम भी आते हैं, हम भी इसी देश के रहीवासी, इस देश में हम भी रहते हैं। रही हमारी किन्नरों की बात, तो देखो कुछ हमने अपने बलबूते पे भी किया है, कुछ हमने अपने नेचर में बदलाव किया, तो लोगों ने भी अपना नज़रिया हमारी तरफ से बदला है, लोग हमें अच्छी भावना से देखते हैं, हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं खुशी की। आप बताइए आपका एजेंडा क्या होगा इस बार वोट करने का, किस आधार पर वोट करेंगी, क्या आपको लगता है कि आपके इलाके का विकास हुआ या आप भी इंटरनेशनल या नेशनल इश्यूज को ध्यान में रखकर वोट करोगे? क्या लगता है, आप बोलिए जो आपको लगता है, आपको जो ठीक लगता है कि अगर कोई सरकार को आप सपोर्ट करते हो या सपोर्ट नहीं करते? नहीं, मोदी जी को ही देंगे हम वोट, हम और किसी को देंगे भी, उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटी की है सपोर्ट, ठीक है ना। आपकी मतलब इनकम में कुछ बदलाव आया या कुछ आपको रहन सहन में उसका कुछ फ़र्क आया? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं। जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगी, कांग्रेस की ये किसी की बुराई नहीं है, जितना मैं मोदी जी को सुनती हूँ, जितने उनके भाषण प्रभावशाली होते हैं, उतना मुझे ना राहुल गांधी जी के भाषण प्रभावशाली लगे, ना प्रियंका गांधी, ये तो साफ मालूम पड़ता है ये एक राजनीति सी खेल रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बाकी मोदी जी का जो भाषण है मुझे काफ़ी प्रभावित करता है, मैं इसके लिए उनसे अट्रैक्ट हूँ बस।
आप बताइए। और हम तो मोदी जी को लाना चाहेंगे, हम तो चाहते हैं मोदी से डायरेक्ट मिलना चाहेंगे मोदी जी से। और शुरू शुरू में हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, हर साल मोदी जी आए, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने हमारे देश के। देखिए ये व्यूज़ थे, ये वो लोग हैं जो समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और जाहिर तौर पर ऐसे में इनके जो व्यूज़ है वो भी मैटर करते हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जो केंद्र सरकार की नीतियाँ उससे ये काफ़ी खुश हैं और कहीं ना कहीं जो वोट है ये बीजेपी सरकार को देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ये जो समाज है शुरुआत में उपेक्षित था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है, इनके भी डेवलपमेंट काफ़ी हुए हैं और कहीं ना कहीं ये अब जो केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं।